जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर संस्कृत के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं से संबंधित यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो वह यहाँ पर कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज के यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कालिदास की रचना रघुवंशम है। तो जो कालिदास की रचना है कौन सी, रघुवंशम है, यह क्या है, तो यह एक महाकाव्य है, यह एक महाकाव्य है। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि संस्कृत के किस कवि ने एको रसाह करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है। अगर आपसे आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। चार विकल्प दिए गए हैं, तो कालिदास, भवभूति, माघ या भास, तो ये आपके यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है दो, और दो का यहाँ पर जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर यहाँ पर विकल्प नंबर बी यानी कि भवभूति। भवभूति आपका यहाँ पर सही आंसर है। संस्कृत के महाकवि भवभूति ने तीन नाटकों की रचना की है। तीन नाटक कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पर तीन नाटक जो इनके हैं, मालती माधवम, और दूसरा जो है महावीर चरितम, और तीसरा जो है उत्तर रामचरितम। ये जो है तीन नाटकों की रचना की है। संस्कृत के महाकवि हैं भवभूति। अगला क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कला परिच्छेद के लेखक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर तीन है, क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर बताना है। कला परिच्छेद के लेखक कौन है, कालिदास हैं, दंडी हैं, भवभूति हैं या भारवी हैं, तो ये आपके चार विकल्प दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका जो सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर तीन का वह है विकल्प नंबर सी यानी कि दंडी आपका राइट आंसर है। दंडी आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी, जिन्होंने बताया है विकल्प नंबर सी उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है। तो उत्तर रामचरितम जो है इसका प्रधान रस बताना है क्वेश्चन नंबर चार में क्या होगा, करुण या श्रृंगार या वीर या शांत, ये आपके चार विकल्प दिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर चार बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर चार का वह है आपका सही आंसर यहाँ पर विकल्प नंबर एक यानी कि करुण आपका यहाँ पर सही आंसर है। करुण आपका राइट आंसर। देखिए जो है यूपी टीजीटी में यह क्वेश्चन पूछा गया है 2003 में, बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आपके लिए आंसर बताते जाना है। अगर आपसे आंसर बनता है तो महाकवि भवभूति राम जो इनके द्वारा रचित है उत्तर रामचरितम का प्रधान रस की बात करते हैं, तो यहाँ पर करुण आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर एक सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर पांच यहाँ पर है कि सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के दिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपके कूट भी दिए गए हैं और आपको यहाँ पर सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। तो अगर आपसे आंसर बनता है तो बताइए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। चार विकल्प दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है, देखिए यहाँ पर विकल्प बता देते हैं। देखिए ये हैं आपके यहाँ पर विकल्प, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वह है आपका राइट आंसर विकल्प नंबर सी, यहाँ पर सही आंसर है। देखिए सी में यहाँ पर क्या है, दस कुमार चरित है। जो दस कुमार चरित की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दस कुमार चरित का राइट आंसर है दंडी आपका सही आंसर होगा। दंडी यहाँ पर इस प्रकार दंडी। फिर नैषधीय चरित की बात करें तो नैषधीय चरित के लेखक जो हैं कौन होंगे, नैषधीय चरित के, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है श्रीहर्ष। और फिर यहाँ पर उत्तर रामचरित हैं, तो भवभूति आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इस प्रकार ये जो है सूची सम्मिलित हो चुकी है यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देख लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छः है कि भारवी कवि द्वारा रचित
क्रातार्जुनियम जो है का प्रधान रस बताना है। क्रातार्जुनियम का प्रधान रस यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 विकल्प दिए गए हैं, वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या शांत रस। तो आपका सही आंसर है क्या है? राइट आंसर, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि वीर रस आपका यहाँ पर सही आंसर है। वीर रस आपका यहाँ पर सही आंसर है। और जो भारवी द्वारा रचित है एक महाकाव्य है, याद रखना है महाकाव्य है किरातार्जुनीयम। और इसके कुल सर्ग 18 सर्गों में कौरवों पर विजय प्राप्ति हेतु अर्जुन का हिमालय पर्वत जाकर तपस्या करनी आदि अनेक बातों तत्वों का इसमें वर्णन किया गया है। किरातार्जुनीयम में यह एक महाकाव्य है, भारवी द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिए, श्रीहर्ष द्वारा रचित है नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है? तो कौन सी रीति की इसमें प्रधानता है आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7, और इसका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर 2 यानी कि वैदर्भी रीति। आपका सही आंसर है वैदर्भी रीति, यहाँ पर सही आंसर है। 2005 में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और इसमें जो है श्रीहर्ष द्वारा रचित है नैषधीय चरित्र एक महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 22 सर्गों में नल दमयंती के प्रणय से लेकर परिणय यानी कि विवाह तक का सांगोपांग वर्णन किया गया है इसमें नैषधीय चरितम में। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कि करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? क्वेश्चन नंबर 8 है, करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताना है, और 8 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर 2 यानी कि उत्तर रामचरितम। आपका सही आंसर है उत्तर रामचरितम, सही आंसर विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है अपना? तो देखिए यह है आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 9, क्वेश्चन नंबर है 9 कि बृहत्तरी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? तो नहीं आता है, तो नहीं पूछा है कौन सा नहीं आता है बृहत्तरी में। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 2 यानी कि रघुवंशम। रघुवंशम आपका यहाँ पर सही आंसर है, जो 2 है रघुवंशम यह महाकाव्य नहीं आता है, विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है। देखिए जो है महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंशम है, और महाकाव्य संस्कृत महाकाव्यों की बृहत्तरी में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 10 आपका कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पर सम्मिलित करना है, कोट दिए गए हैं यहाँ पर, देखिए ये हैं आपके कोट। तो आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका सही आंसर है आपका यहाँ पर क्या है? राइट आंसर बी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो देखिए यहाँ पर 1 का जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर जो कालिदास है, तो कालिदास का क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए कालिदास का होगा अभिज्ञान शकुंतलम। तो 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है अभिज्ञान शकुंतलम, और फिर इसके बाद आपका यहाँ पर माघ दिया है, तो माघ का आपका सही आंसर होगा क्या होगा? शिशुपालव धम आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर जो 2 यहाँ पर जो तीसरा है यहाँ पर सही आंसर होगा। भवभूति का यहाँ पर क्या होगा? तो भवभूति का आपका होगा क्या है? उत्तर रामचरितम, भवभूति का उत्तर रामचरितम आपका सही आंसर है। दंडी का क्या होगा? दस कुमार चरितम आपका दंडी का। इस प्रकार जो है आपकी इस सूची सम्मिलित हो चुकी है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? तो महाकवि कालिदास जो है किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है यह बताना है। तो आपका सही आंसर है उपमा, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। उपमा आपका सही आंसर है, TGT UP TGT 2005 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और संस्कृत के महाकवि कालिदास उपमा अलंकार की बेजोड़ प्रस्तुति के लिए प्रसिद्ध हैं, कौन? कालिदास जी। अगला क्वेश्चन है क्या है? अगला क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका यहाँ पर, रघुवंशम किसकी रचना है? रघुवंशम जो रचना है किसकी है? तो बताना है व्यास की, भरत मुनि
भरत मुनि, कालिदास या चाणक्य, तो ये आपके यहाँ पर चार विकल्प हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 का जो सही आंसर है आपका वह है राइट आंसर विकल्प नंबर सी, यानी कि कालिदास आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, कालिदास आपका सही आंसर है, कालिदास राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पर दिया गया है कि शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम क्या है, तो शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम बताना है भामय, कुंतक, भारवी, माघ, तो ये आपके चार विकल्प दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 13, और 13 का जो राइट आंसर है शिशुपाल वध के रचनाकार हैं, तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर डी यानी कि माघ आपका सही आंसर है। ये भी क्वेश्चन आपका 2009 में पूछा गया था, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर है। देखिए शिशुपाल वधम महाकवि माघ द्वारा रचित बृहत्तरी का एक ग्रंथ है, और जबकि भामय ने काव्य अलंकार लिखा है। और अगला क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है श्री हर्ष का ग्रंथ है, तो श्री हर्ष का ग्रंथ जो है वह कौन सा है, निषद काव्य आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका भी यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है यहाँ पर, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है, तो महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है, क्वेश्चन नंबर 15 है उपमा रूपक या श्लेष उत्प्रेक्षा, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है, तो सही आंसर है विकल्प नंबर एक यानी कि उपमा आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, उपमा आपका यहाँ पर सही आंसर है। संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास अपनी उपमा के लिए प्रसिद्ध है, यह आपके लिए याद रखना है, विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर है। तो भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं, तो कितने चरण हैं यह आपके लिए बताना है, 2, 3, 4 या 5। आंसर अगर आपसे बनता है तो कमेंट में भी बताते जाएं, और आपके यहां पर क्या होगा राइट आंसर कि भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं, तो आपके यहां पर जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर बी यानी कि 3 चरण हैं। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन तो देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विद्वान ने प्राकृत को मीठी और संस्कृत को कठोर कहा है, तो किस बताइए किस विद्वान ने यह कहा है, तो क्या कहा है, देखिए यहाँ पर प्राकृत को इन्होंने कहा है मीठी, और यहाँ पर संस्कृत को क्या कहा है, कठोर कहा है, तो वह आपके लिए विद्वान बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि राजशेखर, राजशेखर आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन तो देख लेते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश में रामकाव्य के प्रथम कवि हैं, अपभ्रंश में रामकाव्य के प्रथम कवि कौन है, चार विकल्प आपके सामने उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्वयंभू, देवसेन, रामसेन या पुष्पदंत, तो अपभ्रंश में रामकाव्य के प्रथम कवि जो है वह है कौन, स्वयंभू, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है, तो बताइए बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि शिव सिंह सेंगर आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है, तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास पूछा है आपसे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 5 कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, सुमन राजे, बच्चन सिंह, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि सुमन राजे आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रीतिकाल को अंधकार काल माना है किसने कहा है या किसने माना है यह बताना है, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है क्या है राइट आंसर, आपका राइट आंसर है त्रिलोचन, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है।
बिल्कुल सही, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक बताना है, विश्वनाथ त्रिपाठी या रामचंद्र शुक्ल या बच्चन से हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है अपना यहाँ पर और 7 का राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर, 7 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि विश्वनाथ त्रिपाठी आपका यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का यहाँ पर नाम बताना है, क्या नाम है, तो बंग महिला, जानकी देवी बजाज या चित्रा मुगदल या कौशल्या वैसंती आपका यहाँ पर सही आंसर है, वैसत्री। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 8 है और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि बंग महिला आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र सूरदास है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर 1, रंगभूमि आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना अवधि में नहीं है, नहीं पूछा है, ध्यान रखना है नहीं है, तो कौन सी नहीं है, चार विकल्प हैं आपके सामने, रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका, पद्मावत। क्वेश्चन नंबर है 10 और 10 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर सी, जो विनय पत्रिका है यह अवधि में नहीं है, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका क्या है कि सिद्धों ने किस भाषा शैली में रचनाएं की हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा है सिद्धों ने किस भाषा शैली में रचनाएं की हैं, तो वह भाषा शैली बताना है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है भाई क्या है, संधा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह का लिखा है, मगर आपके लिए ये भी देखना है कि यहाँ पर किस तरह लिखा है, संधा विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल का समय माना है, तो कितना माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल का समय, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है क्या है, संवत 750 से 1000 आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को जयकाल किसने कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को जयकाल किसने कहा है, रामासंगर शुक्ल रसाल या महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर मोहन अवस्थी या गिरेशन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1 यानी कि रामाशंकर शुक्ल रसाल आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 14, घुटन रचना का संबंध किस विद्या से है, तो आपसे यहाँ पर घुटन रचना का संबंध पूछा है, घुटन रचना का संबंध किस विधा से है, आत्मकथा से, रेखाचित्र से, कहानी से या उपन्यास से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और 14 का राइट आंसर है होगा आपका विकल्प नंबर 1, घुटन रचना का संबंध किस विधा से है, आत्मकथा आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, गर्दिश के दिन आत्मकथा के लेखक बताना है, तो यहाँ पर आपको लेखक बताना है कौन है इसके लेखक, गर्दिश के दिन आत्मकथा के लेखक कमलेश्वर, जानकी देवी बजाज या बनारसी दास जैन, राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 15 और 15 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा, राइट आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि कमलेश्वर, गर्दिश के दिन आत्मकथा के लेखक है कमलेश्वर, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं वल्लभाचार्य, रामानंद, विट्ठलनाथ, रामानुज। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, हिंदी के किस साहित्यकार को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था या ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी के किस साहित्यकार को, साहित्यकार हैं जिनको सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 17 है और बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है आपका और आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि सुमित्रा नंदन पंत आपका यहाँ पर सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 18 है शब्दार्थ शरीरम तारत्व काव्यम, यह परिभाषा किसने दी है? तो इससे परिभाषा को बताना है, यह परिभाषा किसने दी है? तो आपका सही आंसर है क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है विकल्प नंबर, क्या होगा राइट आंसर? तो विकल्प नंबर है आपका डी, आनंदवर्धन, आनंदवर्धन विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अपना हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 19 और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम बताइए। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है क्या है, राइट आंसर आपका सही आंसर है समाचार सुधाभर्षण, समाचार सुधाभर्षण आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है अवधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बघेली या कोसली, दोनों इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 है अपना यहाँ पर, और हिंदी जो अवधि है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अवधि को जाना जाता है कोसली, कोसली अन्य नाम से जाना जाता है किसको, अवधि को। क्वेश्चन नंबर 21 है अपना यहाँ पर क्या है, तो देख लें स्नेह लीला के रचनाकार बताना है, स्नेह लीला के रचनाकार कौन है, क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 21 और स्नेह लीला के रचनाकार बताइए, कुंभनदास, रैदास, विष्णुदास, नंददास। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर, कौन सा राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी यानी कि विष्णुदास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है, तो कौन सा रस है यह बताना है, प्रमुख रस बताना है यहाँ पर आदिकालीन साहित्य का, शांत, वीर, श्रृंगार या हास्य। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है विकल्प नंबर, क्या होगा राइट आंसर, विकल्प नंबर बी यानी कि वीर रस, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस माना जाता है वीर रस। अगला क्वेश्चन है कि क्या है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मनोविश्लेषणवादी कवि माना जाता है, मनोविश्लेषणवादी कवि पूछा है यहाँ पर, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन मनोविश्लेषणवादी कवि माना जाता है, अज्ञे, इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है अपने यहाँ पर 23 और 23 का राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि अज्ञे जी भी और इलाचंद जोशी भी और जैनेन्द्र कुमार जी, यह तीन जो है तीनों है, यह कौन से माने जाते हैं मनोविश्लेषणवादी कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है, हिंदी का सबसे प्राचीन छंद पूछा है, हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24, और हिंदी का सबसे प्राचीन छंद जो है वह है आपका कौन सा, दोहा, छप्पय, बरवैया या सवैया। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का विकल्प नंबर एक यानी कि दोहा, दोहा आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है, तार सप्तक के कवि बताना है, नेमी चंद्र जैन, मुक्ति बोध, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, नहीं है, नहीं पूछा है, सॉरी नहीं है, तो कौन नहीं है जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर यहां पर क्या होगा। तो तार सप्तक के जो कवि नहीं है वह नहीं है कौन, रामधारी सिंह दिनकर, कि रामायण महानाटक की रचयिता है, चार विकल्प हैं, जल्दी जल्दी से आप आंसर बताते जाएंगे और आखिरी में आप बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपसे सही बने हैं, रामायण महानाटक की रचयिता हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 26 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्या है, राइट आंसर प्राणचंद चौहान यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपने यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन कि कबीर की भाषा को साधुक्कड़ी किसने कहा है, तो कबीर की भाषा को साधुक्कड़ी कहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसने कहा है यह आपके लिए बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 है और आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, रामचंद्र शुक्ल आपका यहाँ पर राइट आंसर है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को क्या कहा है, सधुक्कड़ी। अगला क्वेश्चन है अपना कि कबीर की भाषा को पंचमिल खिचड़ी किसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह भी कि कबीर की भाषा को पंचमिल खिचड़ी किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास या ग्रियसन या नामवर सह, डॉक्टर नामवर सह। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है विकल्प नंबर, क्या होगा राइट आंसर, विकल्प नंबर बी यानी कि बाबू श्याम सुंदर दास आपका यहाँ पर राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि निम्न में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। यहाँ पर आपके लिए द्विवेदी युग का कवि नहीं है पूछा है यहाँ पर, तो कौन नहीं है आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो बताइए कौन नहीं है द्विवेदी युग के कवि। चार विकल्प आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं और आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर 3 यानी कि अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास जी जो है द्विवेदी युग के कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपने यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन अयोध्या से उपाध्याय हरिओत की प्रथम रचना है, तो यहाँ पर आपके लिए हरिओत जी की प्रथम रचना बताना है, कौन सी है इनकी प्रथम रचना। चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, कृष्ण शतक या रसकलश, प्रिय प्रवास या वैदेही वनवास। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 30 और इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर 1 यानी कि कृष्ण शतक आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, आनंद अरुणोदय किसकी रचना है। आनंद अरुणोदय रचना बताना है जगमोहन सिंह, भारतेंदु, प्रेमघन, राधा कृष्ण दास। आनंद अरुणोदय किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि प्रेमघन आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह आपके लिए यहाँ पर बताना है, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता है क्वेश्चन नंबर है आपका 32 का राइट आंसर है विकल्प नंबर, क्या होगा राइट आंसर, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है, व्यंग द्वारा अंग्रेजी शासन की निंदा, यह आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है। श्रद्धा बताना है, कामायनी जो है इसमें श्रद्धा किसका प्रतीक है यह बताना है कामायनी में, तो मन का, बुद्धि का, हृदय का या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है आपका 33 और 33 का राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का, विकल्प नंबर सी यानी कि कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है, हृदय का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 33 ही है, क्या है इसका राइट आंसर कि हिंदी में स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं, तो कौन है इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा सही आंसर, तो यहाँ पर सही आंसर है आपका क्या है राइट आंसर, आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि निराला आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पर छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है छायावादी का रुद्र किसको कहा जाता है, महादेवी वर्मा या पंत या प्रसाद या निराला। क्वेश्चन नंबर है अपने यहाँ पर 34 और 34 का राइट आंसर बताना है छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहते हैं या कहा जाता है, तो आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है निराला, निराला आपका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है क्या है अगला क्वेश्चन, लोकायतन किस प्रकार की रचना है। लोकायतन किस प्रकार की रचना है, चंपू काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, गीति नाट्य, तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर बताना है लोकायतन किस प्रकार की रचना है, आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है प्रबंध काव्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का जनक किसे माना है, तो छायावाद का जनक माना है किसे माना है, किसने नंद दुलारे जी ने किसको माना है यह आपके लिए बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर डी सुमित्रा नंदन पंत आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 37 है बहुत ही महत्वपूर्ण यह आपका क्वेश्चन है और इसका सही आंसर आपके लिए बताना है क्वेश्चन नंबर 37 का, और 37 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है, छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला क्वेश्चन है
कि जगन्नाथ दास रत्नाकर किस उपनाम से उर्दू में कविता लिखती थी। तो उर्दू में कविता लिखते थे कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी किस उपनाम से लिखते थे, तो यह आपके लिए बताना है। तो नवाब राय, जकी या रत्नाकर या बैद्यनाथ। तो क्वेश्चन नंबर है 38 का राइट आंसर यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जकी आपका यहाँ पर सही आंसर है, जकी नाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे रत्नाकर जी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि बताना है यहाँ पर, जायसी या मुल्ला दाऊद, नूर मोहम्मद या मुल्ला वजही। तो इस प्रकार चार विकल्प है। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 39। 39 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद हिंदी का प्रथम सूफी कवि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, क्या है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया है? तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया है, यह आपके लिए बताना है। गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह देव। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि गुरु अर्जुन देव। विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है। और जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें सभी लोग। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन नंबर है 41, और 41 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है प्रेमचंद। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खरुष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर बताना है। खरुष्टी लिपि की जो उत्पत्ति हुई है यह किससे हुई है? तो आपका सही आंसर क्या है? चित्रलिपि, ब्राही, सामी या अर्मेइक। तो विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है, अर्मेइक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 43, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या बताना है, 4, 5, 6, 7, चार विकल्प भी उपलब्ध हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 43, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है कितनी है? चार विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर आपसे मानक हिंदी से तात्पर्य बताना है, क्या तात्पर्य है? साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा, केवल पढ़ाई लिखाई की भाषा, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, कि साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, विकल्प नंबर एक राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि क्या है, मेवाती किस भाषा उपभाषा वर्ग की बोली है? यहाँ पर उपभाषा वर्ग की बोली है और यह विकल्प आपके लिए दिख गया है, क्या है? राजस्थानी हिंदी, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो वह विषय बताना है जिसका वर्णन है, अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 और आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर, क्या होगा राइट आंसर? विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अगला क्वेश्चन है, क्या है ग्वालियर की बोली है? तो ग्वालियर जो है यह मध्य प्रदेश में आता है, ग्वालियर एक जिला है और इसकी यहाँ की बोली है बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 47 है और 47 का राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि बुंदेली आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, किसने कहा है? जल्दी से बता दीजिए, रामचंद्र शुक्ल या चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु ग्रियसन। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा आपके यहाँ पर विकल्प नंबर, क्या है राइट आंसर? विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है। संविधान की 8वीं अनुसूची जो है इसमें कौन सी भाषा शामिल नहीं है? बोडो, मैथिली, भोजपुरी, डोंगरी। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 49 और 49 का सही आंसर है भोजपुरी। विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर यहाँ पर है, क्या है कि मालती माधव किसकी रचना है?
क्वेश्चन नंबर है 50 आपका, और इसका मालती माधव जो रचना है इसके रचनाकार बताना है, भवभूति या श्रीहर्ष, दंडी या भारवी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है क्या है, यहाँ पर आपका भवभूति आपका विकल्प नंबर एक यहाँ पर राइट आंसर है। भवभूति जिन्होंने भी बताया उनका राइट आंसर है क्या है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला चरण के रोला छंद होता है जो रोला छंद, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 51 है और इसका राइट आंसर है 24, विकल्प नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कृति के लेखक नाम वारसा है, तो वह कृति बताना है, वह कौन सी यहाँ पर कृति है जिसके लेखक कौन है, नाम वारसा है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, दूसरी परंपरा की खोज जो कृति है इसके लेखक है कौन है, नामवार सह आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द्वापर किसकी प्रसिद्ध कृति है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, द्वापर किसकी प्रसिद्ध कृति है, चार विकल्प हैं क्या है, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, निराला महादेवी वर्मा, और आपका यहां पर सही आंसर है क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर बी यानी कि मैथिली शरण गुप्त आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 54 की भाषा की प्रवृत्ति कैसी होती है, सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर, दोनों इनमें से कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 54 और 54 का राइट आंसर है आपका क्या है राइट आंसर, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी कठिन से सरल की ओर आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्या है कि प्रेमचंद घर में शीर्षक से प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी, प्रेमचंद घर में शीर्षक से प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी, तो आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर बताना है, और 55 का राइट आंसर है क्या है राइट आंसर, तो आपका सही आंसर है शिवरानी देवी, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 56 है कि वट वृक्ष की छाया में जीवनी किसके जीवन पर आधारित है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वट वृक्ष की छाया में जीवनी किसके जीवन पर आधारित है, क्वेश्चन नंबर है आपका 56 और 56 का राइट आंसर है क्या है राइट आंसर, आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी अमृतलाल नांगर, अमृतलाल नांगर आपका राइट आंसर है। अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक हैं, क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर बताना है, अकाल पुरुष गांधी जो जीवनी है इसके लेखक हैं दिनकर अज्ञे मोहन राकेश जैनेन्द्र कुमार, आपका राइट आंसर है यहां पर विकल्प नंबर डी यानी कि जैनेन्द्र कुमार आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन माटी की मूर्तें किसकी विधा से संबंधित हैं, तो आत्मकथा कहानी संस्मरण रेखा चित्र, क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर है क्या है राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर है रेखा चित्र। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में विभाजित है, 6, 4, 2, 3, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में विभाजित है, राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि 4 भागों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है कि तरुण के स्वप्न आत्मकथा के लेखक हैं, क्वेश्चन नंबर 60 महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है क्या है राइट आंसर, राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी आपका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है कि अलंकार संप्रदाय की प्रवर्तक मानी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 क्या होगा इसका राइट आंसर, यह आपके लिए बताना है, अलंकार संप्रदाय की प्रवर्तक मानी जाती है कुंतक, आचार्य भामय या क्षेमेंद्र या आचार्य बामन, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि आचार्य भामय आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है, तो जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या होगा कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला,
तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है हिम तरंगिनी, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर है। हिम तरंगिनी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किसको? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। अगला क्वेश्चन है शब्दार्थौ काव्यम, यह परिभाषा किसने दी है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शब्दार्थौ काव्यम यह जो परिभाषा है वामन ने या रुद्रट ने, मम्मट ने, भामय ने, तो यह परिभाषा किसने दी है? क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि रुद्रट आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है काव्य को 15वीं विधा किसने मानी है? काव्य को 15वीं विधा माना है, किसने माना है? यह आपके लिए बताना है राजशेखर या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या विश्वनाथ जी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या है? विकल्प नंबर एक राजशेखर जी ने काव्य को 15वीं विधा इन्होंने मानी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भरत आचार्य भरत ने सर्वप्रथम अपने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? तो 4, 5, 3, 6। तो अलंकार कितने अलंकारों का इन्होंने उल्लेख किया है तो अपने नाट्य शास्त्र में, तो आपके यहाँ पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 62 का विकल्प नंबर एक यानी कि 4 आपका राइट आंसर है, 4 आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है ध्वन्यालोक के टीकाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, ध्वन्यालोक के टीकाकार कौन है? क्षेमेंद्र, अभिनय गुप्त या कुंतक या दंडी? तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर है आपका क्या है राइट आंसर यह बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि अभिनय गुप्त आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन था यह आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो लल्लूलाल भारतेंदु बालकृष्ण भट्ट या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्या है राइट आंसर? लल्लूलाल, लल्लूलाल आपका सही आंसर है। हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन था? तो लल्लूलाल आपकी राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? तो भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है यह आपसे क्वेश्चन है, मम्मट या भट्ट नायक, भट्ट लोलक या आनंद वर्धन? तो आपका क्वेश्चन नंबर 68 है और आपका सही आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर? तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि भट्ट नायक आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कुटज के रचयिता या यहाँ पर आपसे पूछा गया है, बहुत ही यह महत्वपूर्ण आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कुटज के रचयिता पूछा हजारी प्रसाद द्विवेदी या विद्यानिवास मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु? क्वेश्चन नंबर है आपका 69 और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर एक यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है कि क्या है शेष कादंबरी के रचयिता हैं? तो कौन है? क्वेश्चन नंबर 70 है शेष कादंबरी के रचयिता हैं अलका सरावगी, नरेश मेहता, मृदुला गर्ग, रामचंद्र शुक्ल? तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर बताना है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर एक अलका सरावगी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल ने करुण रस का स्थाई भाव माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है इन्होंने करुण रस का स्थाई भाव माना है तो किसको माना है यह आपके लिए बताना है, निर्वेद को, गिलानी को या दैन्य को, करुणा को? तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर आपका क्या होगा। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वह वीडियो को लाइक कर लें और आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि करुणा। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इन्होंने करुण रस का स्थाई भाव माना है, किसको? करुणा को, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ठेठ हिंदी का ठाट उपन्यास के लेखक
हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठेठ हिंदी का ठाट, ये है इसके लेखक बताना है, तो कौन है इसके लेखक? श्रद्धा राम फुल्लोरी या हरिऔध या देवकी नंदन खत्री, बालकृष्ण भट्टे। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 72, और 72 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका बी यानी कि हरिऔध। हरिऔध आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी नहीं है? यहाँ पर आपको नहीं बताना है, तो कौन सी नहीं है? सिक्का बदल गया, जन्मभूमि, फांसी या व्यथा सरगम। क्वेश्चन नंबर 73 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी नहीं है, तो वह नहीं है। कौन सी नहीं है? आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि फांसी। फांसी आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है कि भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपने यहाँ पर, तो भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर बताना है, और आपका सही आंसर है यहाँ पर शिवदान सिंह चौहान, आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, जिन्होंने भी बताया है उनका सही आंसर है। तुम चंदन हम पानी निबंध के रचनाकार हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तुम चंदन हम पानी निबंध के रचनाकार शरद जोशी, विद्यानिवास मिश्र या विवेकी रॉय या रमेश चंद्र शाह। क्वेश्चन नंबर 75 है, और आज का आपका चैलेंज प्रश्न भी है। तो कि निम्न में से कौन सी रचना ब्रजभाषा की नहीं है? चार विकल्प उपलब्ध है, आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और आखिरी में आपके लिए यह बताना है कि आज आपसे कितने क्वेश्चन यहां पर सही बने हैं। तो जो यहाँ पर आपकी रचना बताना है कि कौन सी रचना ब्रजभाषा की नहीं है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा जानकी मंगल, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर है जानकी मंगल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खंड काव्य है? खंड काव्य बताना है कौन सा है, चार विकल्प आपके यहाँ पर उपलब्ध है। निम्न में से कौन सा खंड काव्य है? क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 78, और इसका सही आंसर है खंड काव्य पूछा है तो पार्वती मंगल आपका विकल्प नंबर दो यहाँ पर राइट आंसर है, पार्वती मंगल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छायावाद का मैनिफेस्टो किस रचना को कहा जाता है, तो बताइए तुलसीदास, लोकायतन, पल्लव या कामायनी। चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर है आपके यहाँ पर 79, और आपके यहाँ पर जो राइट आंसर है इसका वह है आपका विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, विकल्प नंबर सी यानी कि विकल्प नंबर 3 आपका राइट आंसर है पल्लव, आपका यहाँ पर सही आंसर पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? तो पंत जी की वह रचना बताना है जो अरविंद दर्शन से प्रभावित है, स्वर्ण किरण, पल्लव या युगवाणी या युगांत, यह आपका चार विकल्प यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो पंत जी की वह कौन सी रचना है जो अरविंद दर्शन से प्रभावित है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर एक स्वर्ण किरण आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से पंत की प्रगतिवादी रचना नहीं है, नहीं पूछा है तो प्रगतिवादी रचना नहीं है पंत जी की, कौन सी है? ग्राम्या या युगांत, युगवाणी या ग्रंथी। चार विकल्प हैं आपके सामने, और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर सी यानी कि ग्रंथी, आपका क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी ग्रंथी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्न में से पंत की छायावादी रचना नहीं है, नहीं पूछा है तो कौन सी नहीं है? युगवाणी, गुंजन या वीणा या पल्लव। तो पंत की छायावादी रचना नहीं है, तो छायावादी रचना नहीं है क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर एक यानी कि युगवाणी, युगवाणी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बादल को निराला ने बादल राग में किसका प्रतीक माना है? तो बादल को निराला जी ने बादल राग में किसका प्रतीक माना है? शोषक का, शोषण का, पूंजीपति का, क्रांति दूत का। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर यहां पर आपके लिए बताना है, क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है कांति दूत का, कांति दूत आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्रांति है सॉरी, क्रांति दूत आपका यहाँ पर राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा माना है। तो यहाँ पर आपके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बताना है, इन्होंने हिंदी का पहला उपन्यास जो माना है वह कौन सा माना है। परीक्षा गुरु को, सेवा सदन को, या चंद्रकांता को, या भाग्यवती को। चार विकल्प है और क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 84 और इसका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर एक यानी कि परीक्षा गुरु। बिल्कुल सही, परीक्षा गुरु आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 85 की प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह आपका, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर आपका 85 का राइट आंसर है मॉरीशस, नागपुर, भोपाल या नई दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा आपका विकल्प नंबर सी, आपका यहाँ पर राइट आंसर है यानी कि नागपुर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नागपुर विकल्प नंबर तीन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं तो कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर बताना है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य या क्षेमेंद्र या रामानुजाचार्य या विष्णु स्वामी। चार विकल्प हैं और आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या है यह बताना है। तो विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर होगा, शंकराचार्य। शंकराचार्य आपका यहाँ पर विकल्प नंबर एक राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीपुरा नामक रुपोर्ताज के लेखक हैं। लक्ष्मीपुरा नामक रुपोर्ताज जो है इसके लेखक बताना है रंगीव राघव या शिव दान सिंह चौहान या शमशेर बहादुर या धर्मवीर भारती। तो लक्ष्मीपुरा नामक रुपोर्ताज है और इसके जो लेखक हैं वह हैं कौन, शिव दान सिंह चौहान। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, सॉरी विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है यह आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 है अपना, यहाँ पर चार विकल्प हैं, अर्धमागधी, मागधी, स्वरसेनी या इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर बताना है तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि स्वरसेनी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर तीन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 89 की निम्न में से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है। तो यहाँ पर जो आदिकाल की रचना नहीं है वह नहीं है आपकी कौन, रामचंद्रिका। विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर है, रामचंद्रिका जो है यह आदिकाल की रचना नहीं मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने माना है या किसने कहा है। तो आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है तो किसने कहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है आपका। तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन या विश्वनाथ प्रसाद या धीरेन्द्र वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि धीरेन्द्र वर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर है। इन्होंने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है, धीरेन्द्र वर्मा जी ने। अगला क्वेश्चन है कि वीर रस प्रधान रचना में गुण होता है। तो वीर रस प्रधान जो रचना होती है उसमें कौन सा गुण होता है, माधुर्य या ओज या प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 91 और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर यहां पर आपके लिए बताना है। वीर रस प्रधान रचना में गुण होता है तो इसका जो सही आंसर है विकल्प नंबर आपका राइट आंसर होगा बी यानी कि ओज गुण इसमें होता है। विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है। तो छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है। तो यहाँ पर आपके चार विकल्प भी उपलब्ध हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 92 और जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और इसका जो सही आंसर है वह बताना है। तो आपके यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 92 का, प्रकृति का मानवीकरण यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर दो आपका सही आंसर है, प्रकृति का मानवीकरण। अगला क्वेश्चन है कि 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 84 वैष्णव की वार्ता नाभादास जी की रचना है या गोकुलनाथ जी की या ज्योतिरीश्वर ठाकुर की या रूप गोस्वामी जी। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं और आपके यहाँ पर जो सही आंसर है क्या है, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर है 93 और आपका सही आंसर होगा गोकुलनाथ। विकल्प नंबर दो आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अवध विलास की रचनाकार कौन है, क्वेश्चन नंबर है 94, अवध विलास की रचनाकार बताना है प्राणचंद चौहान या विद्यानिवास मिश्र या लालदास या भारतेंदु, चार विकल्प हैं और आपके लिए बताना है अवध विलास की रचनाकार कौन है। तो अवध विलास की रचनाकार है विकल्प नंबर सी यानी कि लालदास आपका राइट आंसर होगा, लालदास जिन्होंने बताया होगा उनका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की आत्मकथा बताना है गालिब छूटी शराब, सत्य की खोज या अर्धकथानक या मेरी जीवन यात्रा। तो राजेंद्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जो आत्मकथा है क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर है सत्य की खोज, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, सत्य की खोज जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में रिपोर्टाज विद्या का जनक है तो कौन है, यह बताना है भारतेंदु या शिवदान सिंह चौहान या बनारसी दास जैन या पद्म सिंह शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 96 है अपने यहाँ पर और इसका जो सही आंसर है शिवदान सिंह चौहान आपका विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है शिवदान सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन है अपने यहाँ पर कि निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है, नहीं पूछा है तो नहीं है तो कौन नहीं है आपके लिए बताना है कृष्णदास कुंभनदास या परमानंद दास या नाभादास। तो अष्टछाप के कवि नहीं है इनमें से, तो आपका सही आंसर है क्या है राइट आंसर विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है नाभादास, नाभादास जो है यह अष्टछाप के कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपने यहाँ पर क्या है, कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, तो कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है महादेवी वर्मा या रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु या महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर है 98 और इसका जो सही आंसर है वह आपके लिए यहाँ पर बताना है क्या है इसका राइट आंसर, तो रामचंद्र शुक्ल विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर दो जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 कि निम्न में से रसवादी आचार्य नहीं है, नहीं पूछा है रसवादी आचार्य नहीं है तो कौन नहीं है आपका यहाँ पर राइट आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है वह बामन यानी कि विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, जो बामन है रसवादी आचार्य नहीं है। तो इस प्रकार आपकी जो है यहाँ पर क्वेश्चन थे, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है टेलीग्राम ग्रुप की, तो यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए हैं यह भी आपके लिए कमेंट में बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने यहाँ पर सही बताए हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी लोगों के लिए धन्यवाद, जय हिंद।